स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जल्द वार्ता कर तिथि को तय किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा होना अब पूरी तरह से तय है। 10वीं की परीक्षा को लेकर CBSE के निर्णय के बाद राज्य सरकार कोई फैसला ले पाएगी। नीट परीक्षा की जल्द ही तारीख की घोषणा भी होगी। तो नीट परीक्षा को लेकर भी काफी समय से सस्पेंस चल रहा था कि परीक्षाएं कब होंगी, तो इसको लेकर भी जल्द ही तारीख घोषित हो सकती है। 1 जून के बाद परीक्षाओं को लेकर फैसला होगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, काफी समय से सस्पेंस चल रहा था कि आखिर क्या होगा, परीक्षाएं कब होंगी, और अब पूरी तरह से ये तय माना जा रहा है शिक्षा मंत्री के बयान के बाद कि 12वीं की परीक्षाएं तय है, परीक्षाओं लेकर भी जल्द ही घोषणाएं हो सकती है। सहयोगी रमेश जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रमेश, काफी समय से ये दसवीं की परीक्षाएं कब होंगी, 10वीं की अभी तक सस्पेंस है कि क्या होगा, लेकिन 12वीं को लेकर अब ये तय हो चुका है कि परीक्षाएं जरूर होंगी। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री ने ये बिल्कुल तय कर दिया है कि 12वीं की परीक्षाएं है वो निश्चित रूप से होगी। साथ में ही CBSE की परीक्षा होगी या नहीं होगी ये केंद्र सरकार को तय करना है, और 1 जून को जब केंद्र सरकार ये तय कर लेगा कि 12वीं CBSE की एग्जाम होगी या नहीं होगी, इसके बाद में 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी तिथि तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से वार्ता करके परीक्षाओं की तिथि है वो तय करेंगे, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि 12वीं की परीक्षा है वो राज्य में होगी। रमेश, 12वीं की परीक्षा होना तय माना जा रहा है, लेकिन 10वीं की परीक्षाओं को लेकर क्या निर्णय निकलेगा, क्या इंतजार किया जाएगा कि CBSE का निर्णय आए, उसके बाद ही राज्य सरकार कोई फैसला ले पाएगी? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1 तारीख को CBSE का जो निर्णय आएगा, इसके बाद 10वीं का निर्णय लिया जाएगा, लेकिन निर्णय अंतिम मुख्यमंत्री का मान्य होगा। लेकिन इशारा तो उन्होंने ये किया है कि राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं होना लगभग तय है। बिल्कुल, राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं होना लगभग तय है। रीट परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे में रीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रीट परीक्षा के लिए EWS का जो फॉर्म भरवाया जाएगा दोबारा, इसके बाद जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल चल की कहीं संक्रमण फैले, लेकिन जल्द से जल्द रीट परीक्षाओं की तैयारियों का भी उन्होंने इशारा किया कि जैसे ही संक्रमण काल कम होगा जल्द ही रीट की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए रमेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, इसको लेकर साफ संकेत दिए हैं।